हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस इज गुरचरण। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि मार्केट में पुल बैक आएगा, तो पुल बैक आना ही चाहिए था, इसीलिए पुल बैक की हवा थी। तो आज उसी पुल बैक में 16 इंट्राडे कॉल्स बुक की 16। तो आप लोगों को यही पता होना चाहिए कि कहाँ की हवा है। अगर हवा के अकॉर्डिंग काम करोगे तभी मार्केट में बच पाओगे। तो एक तरीका, जैसे ही मैं कोई भी स्टॉक आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ तो ऑन द स्पॉट पहले उसको बाय किया करो, स्टॉप लॉस मेंटेन बस रखा करो। मार्केट उसको अपने आप ही हवा के अकॉर्डिंग ऊपर लेके जाती है। तो ये वीडियो मैंने आपसे अभी इसी लिए बनाई है कि वोडाफोन की अभी न्यूज़ आई हुई है, इन्होंने एक केस था, ये केस जीत चुके हैं। ये वोडाफोन विंस इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अगेंस्ट गवर्नमेंट इन 2 बिलियन टैक्स केस रिपोर्ट। तो 2 बिलियन का टैक्स, मतलब 2 बिलियन तो उन्होंने ये केस गवर्नमेंट के अगेंस्ट जीता है। और आगे मैं पढ़ा था, ट्रिब्यूनल इन इट्स रूलिंग सेट द गवर्नमेंट मस्ट सीज सिकिंग टू डी ड्यूज द वोडाफोन एंड शुड ऑल्सो पे 4.3 मिलियन पाउंड्स। 4.3 मिलियन पाउंड मतलब 5.7 मिलियन डॉलर टू कंपनी, मतलब जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, वो इसको वोडाफोन को इतनी पेमेंट करेगी। 2 बिलियन तो ऊपर ये हो गए और नीचे 5.7 मिलियन डॉलर अलग से पे करेगी। तो इसी के रिलेटेड ये है, वोडाफोन ग्रुप पीएलसी वॉन द इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन केस अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट इन्हें 2 बिलियन टैक्स डिस्प्यूट। 2 बिलियन का टैक्स डिस्प्यूट चल रहा था उसके अगेंस्ट, मतलब जीता। टू सोर्स विद डायरेक्ट नॉलेज ऑफ द मैटर सेड एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल इन द ह्यूज रूल्ड दैट गवर्नमेंट इम्पोजिशन, इन्होंने टैक्स एलिबिलिटी गवर्नमेंट ने लगाई थी वोडाफोन के ऊपर, एंड पेनल्टी, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी लगाई थी फॉर ब्रिज एंड इन्वेस्टमेंट ट्रीटी एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड नीदरलैंड। तो न्यूज़ अपने आप में अच्छी है, इसीलिए क्योंकि जीता है उसी की वजह से आज इसमें 60-70 पैसे का मूवमेंट भी आया, मूवमेंट आया था। तो वर ए ब्रिज टू इन्वेस्टमेंट ट्रीटी एग्रीमेंट बिटवीन द नीदरलैंड वन ऑफ द सोर्स सेड द ट्रिब्यूनल इट्स रूलिंग सेट द गवर्नमेंट मस्ट सीज सीकिंग द ड्यूज फ्रॉम वोडाफोन। गवर्नमेंट चाह रही थी इनसे हम ड्यूज लें, बट गवर्नमेंट के अगेंस्ट फैसला आया तो वोडाफोन का ये देखो 5.7 मिलियन अलग से मिलेंगे टू द कंपनी, पार्शियल कंपनसेशन फॉर इट्स लीगल कोर्स एंड सोर्स, जो इसके लीगल कोर्स लगी थी वो भी इसको रिइम्बर्समेंट हो रही है, प्लस 2 मिलियन डॉलर इसको अलग से मिल रहे हैं। मतलब कहने का, अगर 7.47 मिलियन आपको मल्टीप्लाई करोगे, कम से कम 425 करोड़ रुपये इनको मिल रहा है। 425 करोड़, ये कम नहीं होता 425 करोड़। तो 425 करोड़ उसी के बिहाफ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वोडाफोन के शेयर में करना क्या। पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो मैंने आज इंट्राडे कॉल्स बुक की है वो आप देख सकते हो कि मार्केट, मैंने सुबह ही बोल दिया था 10,800 की सपोर्ट है, तो वहाँ पे उसके पास बाय करना। तो 9:26 पे सुबह बोल दिया था, 10,925 का रेजिस्टेंस था, वहाँ तक तो मार्केट ने जाना ही था। फिर मार्केट को वहाँ पे बुक कर लिया, नीचे मैंने पहले बोल दिया 10, जैसे क्रॉस करके 10,950 के ऊपर फिर दोबारा 11,000 के पर गई थी, फिर उसके बाद फिर नीचे आई थी 10,950 पे, तो 12,51 पे फिर बाय की और 11,000, टारगेट तो मेरा लॉन्ग था पर 11,050 पे ही बुक करके, जितनी टॉप क्लोजिंग वहाँ पे बुक करके निकल गए। बैंक निफ्टी को बाय किया 12:28 पे 20,700 का से 21,000 तक उसको बुक किया। फिर सुबह लार्सन बाय किया, जिसने भी पोर्टफोलियो तैयार करवाना हो या इंट्राडे ट्रेडिंग मेरे से करनी हो तो वो मेरे से ज्वाइन कर सकता है। देखो इतने इतने कॉल्स हम लोग बुक करते हैं, तो आपके पास सिर्फ पैसा होना चाहिए, एक जिगरा होना चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, बिना जिगरे वाला बंदा कुछ नहीं कर सकता। मैं जब भी बोलता हूँ बाय करने के लिए, उसको एकदम पहले एंट्री ले लेनी चाहिए बाय करने के लिए। स्टॉप लॉस तो मेंटेन मैं बोलता ही हूँ, बस स्टॉप लॉस मेंटेन करना, कैश में ट्रेडिंग करोगे तो बचे रहोगे। ब्रिटानिया को सुबह बाय किया, एक बार एंट्री ले ली थी, अगर किसी ने भी ली होती तो ऊपर देखो टॉप क्लोजिंग 3680 पे गया, तो वहां पे बुक कर लिया ब्रिटानिया का। बजाज फाइनेंस देखो 100 रुपये की मूवमेंट आई, 3050 पे बाय किया, 3130 पे गया, 935 पे बाय दे दिया था। HDFC को बाय दिया 1630 से 1645 तक गया, वहां बुक किया। इंडसइंड को बाय किया 492 से 515 तक, होल्डिंग कॉल थी 515 पे बुक कर लिया इंटरडे में। कोल इंडिया में 1.5 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हुआ, पर इसको दोबारा फिर मैंने बाय किया, पता ये बाय तो करना है ही है। HDFC बैंक को 955 पे सातवीं कॉल बाय,
1030 से 1045 पे गया वहां बुक किया। SBI को दोबारा बाय किया 176 पे, देखो 5-6 रुपए की एकदम इतनी बड़ी भयंकर मूवमेंट आई इसमें, SBI को बाय किया। तो 9वीं कॉल 11:17 पे फिर कोल इंडिया को बाय किया, 113.80 पे गया था, फिर 117 पे पूरी फुल रिकवरी दी इसने, तो वहां पे फिर दोबारा बुक किया, लॉस कवर हो गया। एशियन पेंट्स को 1920 के पास बाय किया था, 1930 तक गया, वहां पे बुक कर लिया। एयरटेल को देखो, एयरटेल की मैंने शरेआम वीडियो आप लोगों को बना के बोला भी था कि 400 के पास आता है, 410 के पास आता है तो उसको बाय कर लो, बाय कर लो। देखो 450, 445 तक चला गया, तो एक दो दिन में 10% की मूवमेंट आई है, कम मूवमेंट है बताओ मेरे को। आज भी मैंने बाय किया इसको। वैंकी इंडिया तो इसका अभी न्यूज आई थी, किसने इसका भी केस लगा हुआ था, वो केस जीत गया है, इसको केस जीता या कोई न्यूज है वो शायद बाद में इसको बढ़ रहे, उसी की वजह से 100 रुपये की मूवमेंट आई, 1325 से 1400 तक गया, इसके पीछे एक ये केस जीता है उसी की वजह से 100 रुपये की मूवमेंट दी इसने। तो 13वीं कॉल IOC को बाय किया, 73-74 तक गया, वहां बुक किया। फिर PVR को बाय किया 1076 से, 2 बार PVR में ट्रेडिंग ली मैंने, 1085 में बुक किया, फिर दोबारा फिर बाय किया, इसको बाय तो था ही इसीलिए मैंने बाय किया, होल्ड किया 1075 से 1090 तक गया, 1115 तक गया, दोबारा बुक किया। फिर 16वीं कॉल देखो, MGL में स्टॉप लॉस हिट हो गया 5 रुपये का, कोई बात नहीं। सन फार्मा को दोबारा बाय किया 489 पर, 493 तक गया। 17वीं कॉल 18वीं कॉल 1435 पर BPCL को बाय किया, 373 से 378 तक गया। तो मतलब आप लोगों को हवा पता होनी चाहिए, अगर सेलिंग किया हो तो सेलिंग में बैठ जाओ, चुप करके बाइंग किया तो बाइंग में बैठ जाओ। तो वोडाफोन के बारे में आप लोगों को यही बोलूंगा, अगर ये शेयर 11 रुपये से ऊपर ट्रेड करता तभी बाय करना इसको, 11 रुपये से नीचे बाय मत करना इसको। कंपनी का पैसा आया अच्छा है, पर ये कंसोलिडेशन में जाएगा, 11 रुपये से नीचे अगर ये ट्रेड करता तो ट्रेड करता करता ये 7 और 6 रुपये तक दोबारा भी आ सकता है शेयर, ठीक है मैं पहले बोल रहा हूँ, तब आप इसको दबा के बाय करना 6 रुपये 7 रुपये के पास, क्योंकि इसकी रेंज है 7 टू लेके, इसका ऊपर का टारगेट मेरे को पता है 14 रुपये तक जाएगा। अगर 11 रुपये से ऊपर जाएगा फिर आपको इसको 14.5-14.75 तक बाय करके रखना, 3-4 रुपये की मूवमेंट आएगी तब बुक कर लेना, वरना 11 रुपये से नीचे ट्रेड करेगा 6-7 के पास वेट करना, आज आएगा धीरे धीरे कंसोलिडेट, 1 महीना लेगा 1.5 महीना लेगा तब तो वहां पे बाय करना, फिर इसका ऊपर की तरफ द्वारा टारगेट 14-14.5 तक जाएगा। तो वीडियो बनाने का मेरा यही मोटिव था, अगर किसी ने ज्वाइन करना हो सिंपली मेरे को व्हाट्सअप करके इजीली ज्वाइन कर सकता। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स, गुरचरण हेयर।